नोटबंदी की परेशानी झेलने वालों को मोदी सरकार बड़ी रियायत दे सकती है। रियायत ऐसी कि हर एक के अकाउंट में पैसे चले जाएं और वो भी सैलरी के तौर पर। मोदी सरकार नए साल में लोगों को एक बड़ा तोहफा दे सकती है। सरकार यूनिवर्सल बेसिक इनकम योजना लागू कर सकती है। इस योजना के तहत देश के हर नागरिक को हर महीने उसकी आय के तौर पर एक निश्चित रकम दी जाएगी। एक न्यूज वेबसाइट की खबर के मुताबिक सरकार इस योजना की घोषणा आर्थिक सर्वे और आम बजट में कर सकती है। खबर के अनुसार इस योजना पर सहमति बन चुकी है, लेकिन अंतिम निर्णय लेना बाकी है। सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि पैसा सभी को दिया जाए या सिर्फ बेरोजगारों को इसके दायरे में लाया जाए। बेसिक इनकम योजना से करीब 20 करोड़ जरूरतमंदों को फायदा मिल सकता है। ये प्रस्ताव लंदन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर गाय स्टैंडिंग ने तैयार किया है। प्रोफेसर गाय की माने तो सरकार इसे अलग अलग फेज में लागू कर सकती है। मध्य प्रदेश में भी ये योजना लागू की गई थी, जिसका काफी फायदा मिला। ये योजना इंदौर के 8 गांवों में साल 2010 से 2016 के बीच लागू की गई थी। यहां पर महिलाओं और पुरुषों 500 रुपए और बच्चों को 150 रुपए आय दी गई थी। दिल्ली में लगभग 200 लोगों के बीच ये प्रयोग सफल रहा है। बता दें कि प्रोफेसर गाय पूरी दुनिया में यूनिवर्सल बेसिक इनकम की पुरजोर वकालत करते रहे हैं। प्रोफेसर गाय ने ये भी बताया कि अगर स्कीम को पूरे देश में लागू किया जाता है तो इस पर 3 से 4% का खर्च आएगा।